ओम नमः शिवाय। आप सभी पर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष। सोम प्रदोष जब भी प्रदोष सोमवार को आता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। इस व्रत की कथा को श्रवण करने से सौभाग्य का उदय होता है, बिगड़े काम बनते हैं, रोग शोक का निवारण होता है और लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल तक का माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के मंदिर जाना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक और बेलपत्र उन्हें समर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य और भगवान शिव के मंत्र का जप करें और फिर कथा और फिर आरती प्रसाद इत्यादि वितरित करें। सोम प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया। अब उसका कोई सहारा नहीं था। सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ी। वह खुद और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन की बात है, जब घर वापस आ रही थी तो एक लड़का उसे घायल रूप में मिला, कराह रहा था। ब्राह्मणी को बड़ी दया आई, उसे अपने घर ले आई और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था, उसके पिता को बंदी बना लिया था, राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वो मारा मारा इधर उधर घूम रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में साथ में रहने लगा। एक दिन की बात है, अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता और भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार अंशुमति का विवाह कर दो, और वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शिव शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के से शत्रुओं को खदेड़ा और पिता के साथ फिर सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और ब्राह्मणी को मातृत्व रूप में अपने महल में साथ रखा, और इस तरह से सभी की कामना पूर्ण हुई, सभी को सुख मिला। और इस लोक में सभी प्रकार के दुर्लभ भोग भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक को गए। तो इस तरह से भगवान शिव कृपा करते हैं। इस दिन धूप दीप नैवेद्य तो चढ़ाते ही हैं, दूध दही घी शहद बिल्वपत्र समी पत्र अक्षत अगर बिना टूटा हो तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ बुद्धि श्रेष्ठ तेज करने के लिए दूध में थोड़ा सा मिश्री डालकर या शक्कर गुड़ डालकर चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए और दीपक जरूर जलाना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, फल मेवा मिष्ठान इत्यादि समर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें और कुछ ही प्रदोष ऐसा करने से आपका सौभाग्य खुल जाएगा। प्रदोष त्रयोदशी तिथि को भी कहा जाता है। तो आप सभी पर महादेव महाकाल की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।